हम लोग रेडी हो गए हैं मायके जाने के लिए। मैंने आपको बताया था ना, तो हम सभी रेडी हो गए हैं। आज हमारे साथ स्कूबी मायकी नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बस अप डाउन ही करना है। एंड एमरोज जो है वो रेडी हो गई है। एंड ये वाला जो है वो मुझे एमरोज ने बोला है कि मम्मा ये डाले। आप सोच रहे होंगे कि बच्चे ने कैसे बोल दिया, तो मैं जब कपड़े डाल रही थी ना, पहन रही थी, तो ये भी साथ ही में पड़ा हुआ था वैसे ही। तो क्योंकि एमरोज ने सेम ये वाले कलर का, ये वाले शेड का स्वेटर डाला हुआ है, ये देखिए। और फिर अच्छा, और फिर देखो अभी बात नहीं करने दे रही। हाँ, और फिर इसने फिर बोला कि मैं मतलब कि ये वाला कलर डाल रहा हूँ, तो फिर मम्मा भी यही डालें। तो बार बार ना इसी को वो मेरे से ऐसे छीन लेती थी, इसी को कर रही थी। तो मैंने फिर मैंने इसी को जा रहे हैं माइक का, ये देखिए। तो रोजी बहुत ही उदास हो गई थी, तो मैं सोचा इसको ले चलता है। आज सासू माँ का बार बार फोन आ रहा था मेरे को। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी स्टाइलिश ब्लॉगर रोजी। आज आपको वेलकम करने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बस आपको पता है ना कि ब्लॉग कब स्टार्ट हुआ मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि इतनी ज़्यादा मायके जाने से एक्साइटमेंट होती है, आपको समझ सकते हो आई थिंक। और जीजू का भी आ गया, क्योंकि उनका फ़ोन मुझे परसों का आया हुआ है, अभी फिर से आ गया फ़ोन। कहाँ है फोन? उनका आ गया फिर से फोन। यहाँ पे हम लोग मायके आ गए हैं और ये हैं मेरे दादाजी, तो वो हमारे साथ हैं। अमरोज को गोद में उठा के बातें कर रहे थे, तो हम बस आपस में सभी थोड़े बातें कर रहे थे। तो अभी ही मैं अपनी सिस्टर को, मेरे को मतलब डर लग रहा है कि उसको कैसे मनाऊं, तो मैं धीरे धीरे करके उससे बात करूंगी। टोपी भी है, अपनी टोपी घर पे भूल गया था। थैंक यू सासू मां, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे को टोपी दी, थैंक यू सासू मां। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं रोजी के गांव। तो रोजी कल बहुत इमोशनल हो गई थी, उसने इमोशनल ब्लॉग भी डाला। तो मैंने कहा पतियों का नाम ना खराब हो जाए, उसको ले ही चलता। और सासू माँ का भी मेरे को कई बार फोन आया, तो मेरे को आना ही पड़ा गाइस। तो यहाँ मैं ऊपर कैप लाना भूल गया था, सासू माँ ने मेरे को ये गर्म कैप दी है। सासू माँ हमारे लिए खाना बनाने लगी हैं और रोजी महारानी यहाँ पर रोजी ठंड से ठिठुर के घूम रही है। देखिए कैसे करते हैं। ये है उनका किचन, बहुत ही बढ़िया किचन लगता है मेरे को ऐसा, क्योंकि शहरों में ऐसे किचन नहीं होते हैं और मैं हूँ शहरी, तो यहाँ पर आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर ऐसे बहुत अच्छी, अरे मेरे को कुछ नहीं पता, जो दे दो खा लूंगा मैं। तो यहाँ रोजी भी कुछ तैयारी करने लगी है, तो मैं एक हीरो की तरह रोजी को ये कैप पहनाऊंगा। अरे आप ले लो, आपको ठंडी लग रही है, मेरे को थोड़ा ना, आप ले लो ना अपने वाली। तो यहाँ रोजी ने ऐसे कह के आप ले लो, आप ले लो, तो देखो डाली देखो। मैं पागे देख दिया कि मैंने ला दिया। ऐसे इतनी चलाक लड़कियां, बस एक बार बोल देना है। नहीं नहीं पालो आपने, आपको मैंने आपका दिया, आपने काम करना ठंड में बैठ के, अब कर लो, पालो पालो। अभी फिर बोलना मत कि मैंने ले ली, तो वो तो मैंने बोल दिया, आपने लिया था। तो यहाँ एक तरफ सासू माँ चाय बनाएंगी हमारे लिए, और क्या बनाने लगे सासू माँ? कौन सी वाली रोटी बना लेंगे? मेथे वाली।
तो यहाँ मेरे को मेरी फेवरेट मेथी वाली रोटी मिलेगी और साथ में रोजी बनाए यहाँ पे चाय बना रहे हैं। चाय नहीं, मेथी वाली रोटी बनाने के लिए गर्म पानी चाहिए, तो वो गर्म पानी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपको तो कुछ नहीं आता। तो यहाँ देखिए कुछ बनाती है, ये अजीब सा यहाँ पे है, अजीब सा। देखिए इसे गांव में ऐसे ऐसे करके ये लोग वो करते हैं, कुंडी सोचा। वहां पे देखो शहर में हम लोग उसमें क्या था, ग्राइंडर में, तो इसमें ये लोग ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पानी गर्म हो जाएगा तो हम लोग रोटी बना देंगे। कणक भर के रख लेते हैं। देखो ये बड़ा सा ड्रम आप देख रहे हैं, इसमें कणक स्टोर कर ली जाती है और फिर इससे कणक निकाल के। हमारे वहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं तो अभी वो टाइम फिलहाल मैंने नोटिस नहीं किया कि वहाँ पे जब बोलते हैं तो मुंह से ऐसे मतलब कि भाप निकलती है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम बोल रहे, देखो मुंह से कैसे भाप निकल रही है। लिख नहीं रही इसमें कैमरे, हाँ लिख ले। आप वहाँ बाहर नहीं निकलते हो? बाहर नहीं निकलते ना, यहाँ पे तो ऑफिस के टाइम ही निकलते हैं, तो वो भी अंदर होते हैं। यहाँ फिर ओपन है ना, इसलिए अब यहाँ बाहर हूँ। ठंड और ज्यादा लग रही है, वहाँ तो अंदर बड़े रहते हैं, ठंड कैसे लगेगी। भाई मैं दूध लेने आया हूँ, देखो कितनी प्यारी बाल्टी है, छोटी सी बाल्टी कितनी प्यारी है। तो अभी चाय बन के तैयार होगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कि नहीं सासू माँ? अच्छी खुशबू है, आप भी पी लेना थोड़ी। हम लोग जल्दी वापस निकल जाएंगे क्योंकि धुंध बहुत पड़ेगी। मेरे को करने के लिए तो ये है न्यू बॉर्न बेबी के छोटे छोटे से कपड़े जो कि देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए छोटे छोटे से हैं, जब आपके बेबी हो जाता है तो ये छोटे छोटे कपड़े आपके घर में दिखने लग जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। हेलो, दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत नाराज हैं, तो रोजी आ गई उनसे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यहाँ ये मेरी साली साहिबा बैठी है, पर दोनों आपस में बात नहीं कर रही हैं। और हट करके यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो जाइए रोजी। तो यहाँ उसको हाथ भी नहीं लगवा रही है वो, मेरी साली साहिबा, वो कह रही है दूर हो जा मेरे से। ये देखिए उसको तब देखना भी पसंद नहीं कर रही है, पता नहीं क्या नाराजगी होगी दोनों में। इसको नाराजगी है कि जब नहीं आया कोई मेरे पास रहने के लिए, हम चार चार महीने रह के आए हैं, पांच पांच। ओ तो ये बात है, मैं साले साले मैं इसलिए नाराज हो गई। हाँ ये वजह है, पहले छुट्टी करके बह गई जब मैं हॉस्पिटल में थी, और उस वक्त भी छुट्टी जो मैंने की उस वक्त भी मुझे हॉस्पिटल से बुलाया गया, फायदा नहीं था। लेकिन मुझे फिर से बुलाया गया ना ऑफिस में कि अर्जेंटली आना पड़ेगा। जब मैंने घर आना था, जब छुट्टी लेनी था मैंने था सारे काटे कुके। तो ये मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी, तो यही नाराजगी है क्योंकि जब एमरोज हुई थी उस वक्त ये मेरी सिस्टर और मेरे मम्मा मेरे पास रुके थे, उन्होंने तीन चार महीने मेरे पास रुके थे, और जब अभी इसकी बारी आई तो मैं नहीं यहाँ पे रह पाती क्योंकि एक तो खुद एमरोज छोटा है और सेकेंडली अभी मैं ऑफिस जाने लगी हूँ, तो मुझे चाह के भी छुट्टियां वहां से नहीं मिल रही है। स्पेशली आई हूँ अभी एक घंटे लिए फायदा नहीं गया। क्यों नहीं फायदा? कल रोजी बहुत इमोशनल हो गई थी तुम्हारे लिए, कल रोजी बहुत इमोशनल रही। सॉर्ट आउट हो गया कुछ?
मैंने तो कोशिश की, मैंने नहीं करना। ये बोल रही है कि यहाँ पे रहोगे हफ्ता 10 दिन तो ही मैं मानूंगी, अदरवाइज नहीं मानूंगी। रोजी जो है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, उसको चैन नहीं आना था कि उसकी बहन नाराज हो गई, तो वो बहुत उदास हो गई थी। मैंने तो कहा हफ्ते रह के जाना बस। रोजी को लग रहा था कि मैं बाहर नहीं मार रहा हूँ, उसको लेके नहीं जा रहा हूँ। हम रह गए हैं 6-6 महीने, इतनी देखभाल करी है। तो यहाँ सारी साहब कह रहे की मैं तो बहुत देख रह के आई हूँ और रोजी को आप छोड़ नहीं रहे यहाँ पे। छुट्टियाँ फिर ऐसे नहीं ना मिलती, ऐसे फिर मुश्किल हो जाती है, तेरे को पता ही है। समझने की कोशिश कर, अगर इतनी छुट्टियाँ मिलने लगे फिर मेरे को पैसे कहाँ से मिलेंगे, फिर सैलरी कहाँ से आएगी? सैलरी भी तो फिर वो बोलेंगे छुट्टियों की सैलरी करने, तू घर पे ही बैठ जा। मेरी बात करा देना। क्या मेरी बात करा देना? मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ना जब मेरी सिस्टर ये छोटी थी, मतलब कि हम स्कूल में पढ़ती थी, तो इसको ना जब एडमिशन कराने के लिए गए एक दफा, तो मैं और मम्मी गए थे ना एडमिशन कराने के लिए, है ना मम्मा? हम दोनों थे। तो ना जब वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए गए, तो ना जितनी एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसमें से 500 रुपये कम हो गया। तो उस 500 रुपये की वजह से इसको मतलब कि अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था, इसको मतलब कि एडमिशन नहीं हो पाई थी। तो जिस वजह से हमें बड़ा बहुत फील हुआ कि हमारे पास 500 रुपया कम है और हम इसकी एडमिशन नहीं करा पाए। तो एक वक्त ऐसा भी था कि हाँ 500 रुपये की वजह से मतलब कि ये अपनी स्टडी कम्प्लीट नहीं कर पाई, इसको स्टडी बीच में ही छोड़नी पड़ी। ऐसा हमारे साथ साथ और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ, कितने बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि उनको कुछ पैसों की वजह जैसे अब आगे चाह के भी वो ना पढ़ सके, तो कितना अजीब लगता है ना। तो ऐसा हमारे घर में भी ऐसा हो चुका है एक बार मेरी सिस्टर के साथ, तो बड़ा अजीब लगता है। तो अभी चलो भगवान ने हमें मतलब इस जगह के ऊपर बनाया है, तो अभी तो खैर मैं जॉब करती हूँ, उस वक्त तो मैं खुद भी मतलब कि छोटी थी, तो बुरा लगता है जब ऐसा होता है ना। तो ये देखिए किस तरह से सोच में पड़ गई है। तो एक वक्त ऐसा भी था, तो मतलब एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ के हम मतलब गुजारा करते थे, अपना खर्चा निकालते थे, तो ऐसा वक्त भी आता है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपका अभी आप थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में अभी हो, या फिर कोई भी और आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप मतलब कि भगवान के ऊपर यकीन रखो और वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो मैंने भी खूब मेहनत करके पढ़ लिख के एक जॉब है जो मैं वहाँ पे मतलब कि हूँ आज के अपने पैरों के ऊपर खड़ी हूँ। जैसा भी है, थोड़ा है, बहुत है, काफ़ी है, फिर भी ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि हाँ तुम रुक जाओ, बट आई कांट स्टे हियर बिकॉज टुमारो मुझे ऑफिस जाना होगा। हाँ दो जाने मैं फड़ ली, मम्मी फड़ ली, तीजा कोई होर है नहीं पानी, हम एक जना फड़ूगा, हम भूआ ने चल जाना 25 तरीक, फिर की करांगे मैं भू मासी ने 2 तरीक तक कहती। हाँ मुश्किल तो है, छोटे बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। चलो आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेट्स सी। तो गाइज यहाँ पे मम्मा से मिलने के वक्त तो मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रांग करके रखा था कि उनके सामने मैं हंस के जाऊँ, लेकिन गाड़ी में आते ही मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि यू नो माँ बाप के सामने, पेरेंट्स के सामने इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है, मतलब कि उनके सामने आई थिंक कोई भी लड़की नहीं इमोशनल होती। तो जैसा आपने देखा ही गाइज कि वो कितना ज़्यादा मुझे रहने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन मैं चाहते हुए भी वहाँ पर नहीं रह पाई। तो थोड़ा सा आते वक्त मतलब कि मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया और मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मायके घर जाके कोई भी लड़की है ना, वो ये फीलिंग बहुत अच्छे से आई थिंक समझ सकती है कि मायके घर जाके मतलब
कैसे उसको वापस वहाँ से आना पड़ता है। हालांकि उसका असली घर जो होता है वो वही होता है अपना ससुराल घर, लेकिन मायके जाके वो सारे मतलब मम्मा के साथ पापा जिनकी फैमिली में जो जो मेंबर हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और उनकी मतलब कि अभी उनको सीरियसली बताऊँ तो उनको वाकई में ज़रूरत है वहाँ पर मेरी, लेकिन मैं चाह के भी वहाँ पर नहीं रुक पा रही हूँ, तो मुझे बहुत बैड फील कर रही थी। तो आज का ब्लॉग गाइज मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।